अर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ शशि गोमुई जोग जुत्तो नखत्त तारा गण परिबुडप्पा खे सोहै बिमले अभ मुक्के एवं गणी सोहै भिक्षु मध्ये। दसवें आलियम में मानो कि आचार्य अभिवंदना कई श्लोकों के माध्यम से की गई है और प्रस्तुत मेरे द्वारा उच्चरित श्लोक में बताया गया है, यानी चंद्रमा के साथ आचार्य को तुलित किया गया है, उपमित या तुलना की गई है कि जैसे आकाश में चंद्रमा होता है चांदनी से युक्त, नक्षत्र तारागण से घिरा हुआ परिवृत, चंद्रमा जैसे शोभायमान होता है नक्षत्रों ताराओं के बीच में, इसी प्रकार गणी आचार्य साधुओं के मध्य में चंद्रमा की तरह शोभायमान होता है। चंद्रमा के साथ आचार्य की गणी की तुलना की गई है यह इस पॉइंट से कि नक्षत्र तारागण में जैसे चंद्रमा शोभायमान, चंद्रमा की मुख्यता होती है, वैसे भिक्षु संघ में साधु संघ में आचार्य की मुख्यता होती है। क्यों माने आचार्य की निस्त्रा में साधु साध्वी संघ चलता है। आज का दिन गणाधिपति और पहले आचार्य थे परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, उनके साथ जुड़ गया ऐसा दिन है। आषाढ़ कृष्णा तृतीया और आचार्य तुलसी के जीवन का ये अंतिम दिन या अंतिम दिन के कुछ घंटे बीते थे, वो दिन आज का है। और मैं तो काफी साक्षीभूत हूँ उस दिन का, और तो यहाँ बैठो मैं तो मुनि दिनेश जी या तो हैं और या संभवतः मैं हूँ, और न कोई साध्वियाँ हैं यहाँ वाले, न कोई संत हैं। समण सिद्ध उस कमरे में वहाँ फेंकनी गुरुदेव तुलसी के समय, उस कमरे में जो खास कमरे में तो मैं था या फिर दिनेश जी संभवतः वो आ गए थे, तो वो एक तरह से अंतिम क्षण या उसके आसपास के समय में मैं तो साक्षीभूत हूँ। दिनेश जी मुझे याद है कमरे में फिर थे, तो मैंने देखा था। हुआ घटना प्रसंग यो बना कि गुरुदेव तुलसी वो मूलचंद जी बोथरा के मकान में कई दिनों से एक तरह से एकांतवास कर रहे थे। फिर चिंतन बाप तो तेरा पंद भवन में पदा जाना चाहिए, तो दिन तय हुआ और समय भी तय हुआ, इस समय गुरुदेव को यहाँ प्रवेश करना चाहिए तेरा पंथ न्यास के भवन में। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी तो तेरा पंथ न्यास के भवन में विराजते थे और गुरुदेव तुलसी वो बोथरा जी के वहां विराजते थे। तो मैं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास मूलतः रहा करता था, गुरुदेव के पास दिन में दो बार आमतौर से जाया ही जाता ही जाता था, कभी ज्यादा भी चला जाता शायद। तो मैं सुबह भी गुरुदेव के पास आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ में जाता वंदन का समय, शाम को फिर मैं जाता। तो मैंने गुरुदेव से निवेदन महाप्रज्ञ जी से भी किया कि यह समय गुरुदेव का पदाने का सोच रहे हैं, रख रहे हैं। कहा ठीक है देख लो।
फिर मुझे किसी एक आदमी ने कहा, चोपड़ा परिवार के सुमेरमल जी चोपड़ा, गणेश मल जी स्वामी के संसार पक्ष से भाई, तो वे थोड़े से ज्योतिष के जानकार होंगे। उन्होंने कहा कि जो समय तय हुआ है गुरुदेव के पधारने का, वो समय बढ़िया नहीं है, यानी मृत्यु योग का समय बनता है, तो वो समय ठीक नहीं है। तो फिर हम गुरुदेव महाप्रज्ञ जी से मैंने संभवतः निवेदन किया कि थोड़ा समय चेंज कर दे, वो समय न रहे मृत्यु योग वाला, समय चेंज भी किया। वो चेंज करने के बाद भी मृत्यु योग तो मानो टला ही नहीं है, मृत्यु योग तो भाई क्या हुआ। तो मैं फिर बोथरा भवन में गुरुदेव की अगवानी में गया, तो गुरुदेव बोथरा भवन में ही मतलब पधार गए थे और मैं भी उस परिसर में पहुंच गया था। वंदना कीर मैं यथास्मृति बातें बता रहा हूं, तो मैंने कहा साधन में विराज जाएं गुरुदेव, साधन में नहीं नहीं ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं। थोड़ी दूर तो पैदल पधारे, फिर साधन में विराज गए, या तो मेरी बात का मान सम्मान रखने के लिए विराजे, या कोई कमजोरी लगी तो विराजे, विराज गए साधन में। कुछ दूर विराजे वापस नीचे उतर गए, नीचे उतरे पीथरा पंत भवन में प्रवेश किया, आचार्य महाप्रज्ञ जी सामने पधारे और अंदर फिर पधारना हुआ, विराजे पैरों की सफाई, और वो संभवतः अंतिम दिन की पैरों की सफाई का काम का मौका मैं करता ही था, प्राय अंतिम दिन का भी पैरों की सफाई का मौका संभवतः मुझे ही मिला था। बाद में जो उनका व्यक्तिगत कमरा था विराजने का, वहाँ पधार गए, पोडा भी गए थे। थोड़ी यहाँ बेर ये बात फरमा रहे थे कि देखो दो अयन होते हैं ना, दक्षिणायन होता है एक उत्तरायण होता है, अब कौन सा अयन शुरू होगा, अब कौन सा आयन शुरू होगा, ऐसे पूछ रहे थे, फरमा रहे थे। और यहाँ कुछ बातें चली, फिर गंगा शहर के लोगों में तो अतिरिक्त ही भक्ति है, आज कितने लोग आ गए, इतने लोग आ गए, आज इतने लोग आए, बहुत अतिरिक्त श्रद्धा भक्ति का भाव गंगा शहर के लोगों में है। खैर मैं लंबी बात नहीं करना, मूल बात बता रहा, आज का दिन था। तो फिर मैं गुरुदेव के पास मतलब मुझे सूचना दी गई, मैं बाहर गुरुदेव के कमरे के बाहर बैठा था, तो कोई छोटे संत आए, क्या गुरुदेव के क्या हो गया, क्या हो गया। मैं तत्काल अंदर गया तो गुरुदेव पट्ट पर विराजे थे, और यूँ कोई लगता कोई परेशानी में आए हुए हैं शरीर कोई। तो फिर दिनेश जी शायद उसके बाद पहुँचे होंगे या उसके आसपास पहुँचे, फिर हैं। फिर मैंने कहा अभी आचार्य जी को बुलाओ, तो आचार्य जी थोड़े से दूर अलग वो विराजते थे, तो आचार्य जी भी पधार गए, कोई संत भी फिर तो कई आ गए होंगे। तो गुरुदेव थे परे ठीक नहीं, चेहरा ऐसे हो गया था गुरुदेव का, गुरुदेव को कहा आचार्य श्री पधारे हैं, आचार्य श्री उनसे थोड़ी आप बात तो करो, आचार्य श्री पधारे हैं, अब कौन बात करने वाला था। फिर तो खैर यानी आज के दिन वो गुरुदेव तुलसी ने अंतिम श्वास लिया था, हम इतने शिष्य पास में थे, किसी में ताकत नहीं कि जाने से उनको रोक लें, वो ताकत हमारे में नहीं थी। इतने हम युवा अवस्था के संत थे, पर जाने से पैर पकड़ लेते, नहीं जाने देंगे आपको, नहीं जाने देंगे, वो ताकत हमारे में किसी में भी नहीं थी। तो खैर एक महान व्यक्तित्व, एक महान चंद्रमा मान लो आज के दिन यूं अदृश्य हो गया था। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को मैंने कुछ निकटता से भी देखा है, मुझे कुछ निकट रहने का मौका भी मिला है, तो मुझे लगा उस व्यक्तित्व में पुरुषार्थ की चेतना अच्छी थी, पराक्रम पुरुषार्थ परिश्रम वो चेतना अच्छी थी। रात को पढ़ाने में कई बार लेट हो, कितनी देरी हो जाती, कोई कोई संत कहता घड़ी देख लो दिनांक बदली या नहीं, तो घड़ी देखो दिनांक बदली या नहीं, यानी 12 बज चुकी है तो दिनांक बदल, अब तक नहीं पढ़ाए हैं गुरुदेव, यानी कितना वो परिश्रम करते थे। और उन्होंने जो आचार्य काल में यात्राएं की, 13 पंथ के प्रथम आचार्य हैं जो कोलकाता पधारे हैं, आचार्यों में प्रथम है जो कोलकाता पधार गए, 13 पंथ के आचार्यों में प्रथम आचार्य हैं जो दक्षिण भारत में पधारे और यात्रा की।
यह भी तो परिश्रम है, एक सिंगाड़े का जाना भी परिश्रम है, एक संघ समुदाय एक बड़े समूह के साथ यात्रा करना, साधु साधियाँ यूँ यात्रा करना, वो थोड़ी और ज़्यादा एक विशेष बात हो सकती है। तो यात्रा ये तो की ही कि और भी कितनी यात्राएं, मुंबई भी पहले पधार चुके थे और कितनी यात्राएं की है, दिल्ली कितनी बार पधारे, तो यात्रा का भी परिश्रम और वो लोगों से संपर्क प्रवचन और फिर यह संघीय कार्य, तो एक पुरुषार्थी व्यक्तित्व के रूप में मैं आचार्य तुलसी को देखता हूँ। कितनों को प्रेरणा देते थे, पुरुषार्थ भी था, पुरुषार्थ का एक अंग था प्रेरणा, दूसरों को प्रेरणा देना ताकि वो विकास कर सके। अब एक बार हमें फरमाया लाडनू जैन विश्व भारती में थोड़ा एकांत सा माहौल था, मैं ऊपर जाकर देखूंगा, मैं ऊपर जाकर देखूंगा पीछे कैसे काम करते हो। अब ये एक प्रेरणा ही थी उनकी, मानो कि मैं, यानी मैं ऐसे नहीं, मैं ऊपर जाकर देखूंगा कैसे काम, पीछे कैसे काम करते हो। तो ये उनकी कितनी बड़ी गहरी प्रेरणा कोई मान्य तो हो सकती है कि यानी सावधान रहना, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखता हूँ, मैं ऊपर से देखूंगा कैसे काम करते हो। तो यह उनकी एक प्रेरणा थी। तो वे प्रेरणा देते थे, कितनों को उन्होंने प्रेरणा दी होगी, उनमें परिश्रम था, प्रेरणा देने की प्रवृत्ति भी थी। आचार्य तुलसी में प्रेम भी बहुत था, बड़ा प्रेम था। मैं अपनी बात कहूं तो बचपन में था, तब तक तो कई बार मुझे कसा, बहुत कड़ाई से भी कसा, बचपन में था तब तक तो। बाद में जब मैं थोड़ा सा मतलब युवा अवस्था में आ गया, नव युवक युवा, प्राय लगभग मुझे कड़ाई से कभी प्रेस नहीं आए, प्रेम या कुछ मान लो सम्मान, वो देखा मैंने। बचपन में कड़ाई भी बहुत की, बहुत कड़ाई की, बहुत कड़ाई की कई बार, बाद में इतना प्रेम वात्सल्य बरसाते, बस मुदित 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 इतना प्रेम बरसाते। और मैं आसपास भी रहता था और बात कभी पथ दर्शन देते, ये काम कैसे हो, ये काम किस तरीके से करना चाहिए, मुंझना भी कैसे चाहिए, और भी वे एक पथ दर्शन देते, वो प्रेरणा कह दें, पथ दर्शन कर दें, साथ में प्रेम। मैंने एक बार निवेदन किया कि मेरे ये थोड़ी समस्या है, यह समस्या है, कठिनाई है। सरदार शहर में विराजमान थे गुरुदेव गदया जी के नोरे में, वो मंच पर विराजे हुए थे। मैंने कहा मेरे थोड़ी कठिनाई है, यह समस्या है, मेरी पर्सनल समस्या है। तो कहा नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता तुम्हारे में कोई ऐसी समस्या, नहीं अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्रेम से मुझे वात्सल्य दिया आर्या। तो प्रेम इतना था उनमें, प्रेम करुणा वात्सल्य, किस प्रकार लोगों को समय देते, कितनी वात्सल्य से बात करते, उनमें प्रेम भी था, कठोरता भी करते थे पर प्रेम भी बहुत था। यूं तो कठोरता भी एक अंग हो सकता है प्रशासन का, पर साथ में प्रेम बहुत था, उनमें प्रबुद्धता थी। गुरुदेव तुलसी को मैंने जितना अनुभव किया, एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे, तो स्वयं थोड़ा सोचने वाले प्रबुद्ध व्यक्ति, ऐसा नहीं कि लकीर के फकीरी रह गए। संस्कृत में एक काव्य में श्लोक आता है कि पुराण मित्येव न साधु सर्वम नचापि काव्यम नवमित्यवद्यम संतः परीक्षान्य तरद भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय नेय बुद्धि। इस श्लोक का मैं सारांश यह समझ रहा हूँ, यह एक प्रबुद्धता का श्लोक है कि आदमी को समीक्षक बुद्धि से काम करना चाहिए, कि पुरानी चीज सारी सही है, यह कोई किसी जमाने में वो ठीक थी, आज से 200 वर्ष पहले कोई बात ठीक थी, आज 200 वर्ष के बाद वह ठीक नहीं, क्योंकि आदमी को
औचित्य के अनुसार समय के साथ एडजस्टमेंट भी बिठाना चाहिए, समय के साथ एडजस्टमेंट बिठाना चाहिए। उस जमाने में जो ठीक था वो उस जमाने में किया गया था, तो आज जमाना बदला है, इतना समय बीता है, तो आज के समय के अनुकूल क्या है वो तुम देखो, आज के समय में सर्वाधिक उपयुक्त क्या वो काम करो। पीछे वालों ने यह किया वही काम तुम करते रहोगे क्योंकि पीछे वालों ने किया था। तो सर्वत्र यह बात लागू नहीं कि पीछे वालों ने क्या वही करते रहेंगे, कुछ नया भी सोचो जो आज के समय के साथ ठीक बैठ रहा हो, कि उन्होंने किया था ना, अरे उन्होंने किया तो उनके जमाने में वह ठीक था तब उन्होंने किया होगा, आज के जमाने में वो बात ठीक नहीं बैठ रही है, उसको छोड़ो नया कुछ जोड़ो। कुछ आदमी को औचित्य के अनुसार छोड़ना चाहिए, नया जोड़ना चाहिए। देखिए यह एक होल है, इसमें इतनी कैपेसिटी है, अब नई चीज भी साथ में, एक आलमारी मान लो चार पांच खन है, इसमें इतना सामान आ सकता है। मेरे पास मान लो एक आलमारी है, उसमें 100 पुस्तकें मार सकती है, 100 पुस्तकें इसमें पड़ी भी है, 5-7 वर्षों से वो 100 पुस्तकें पड़ी है, अब तो नई पुस्तकें और कई आ गई है, वो निकट रहने वाली आलमारी है, तो मेरा दायित्व होना चाहिए अब 10-20 पुस्तकें नई आ गई तो उनकी जगह नहीं है आ सकने की, 10-20 पुरानी को निकालो, नई को वहाँ रख दो, पुरानी पढ़ ली मैंने, अब नई को रखो, उनको पढ़ता रहूँ। तो कुछ बातों को छोड़ो, नई को जोड़ो, तुम समय के साथ ठीक चल सकेंगे। आचार्य तुलसी में मुझे लगता है वो प्रबुद्धता थी, अब नया क्या जोड़ना, अब नया क्या करना, आज के समय में अब नया क्या होना चाहिए। अब जो अनुव्रत आदि कार्यक्रम किए हैं तो मानो उन्होंने अपने परिवेश में, अपने संघ में, अपने कार्यों में कुछ नया जोड़ दिया था, नया जोड़ा है। तो हर नई बात भी ठीक हो यह आवश्यक नहीं है, हर नई बात अच्छी है यह भी ठीक आवश्यक नहीं है। तो यह समीक्षा कर लो कि पुरानी कितनी बातें ठीक है, जो ठीक है आज भी उचित है उनको बनाए रखो। अब जो पुरानी बातें आज के समय के साथ ठीक नहीं है उनको छोड़ दो, अब नई बातें जो आज के समय के साथ सेट होने वाली है नई को फिर जोड़ दो। तो यो किसको छोड़ना और किसको जोड़ना, किसको यथावत रखना, इन तीन बातों पर ध्यान देना प्रबुद्धता की बुद्धि से हो सकता है। किसको तो छोड़ देना, क्या नया जोड़ देना, और क्या यथावत जो पहले था उसको आज भी चालू रखना है, तो क्या वर्तमान विद्यमान रखना। तो यह छोड़ना जोड़ना और यथावत रखना, इस विषय में जो प्रबुद्धता जिसकी होती है वह व्यक्ति अच्छा विकास कर सकता है। तो जितना मेरा अनुमान है आचार्य तुलसी में यह प्रबुद्धता भी थी कि क्या नया जोड़ना और क्या पुराना कुछ छोड़ देना, तो क्या यथावत बनाए रखना। उन्होंने आचार्य पद को भी छोड़ दिया, तो यो मैं सोचूं तो थोड़ा कठिन काम है। यह सत्ता हाथ में आ जाए, आई हुई सत्ता को छोड़ना मुश्किल काम है। उन्होंने एक ऐसा काम किया, अपने जीवन काल में आचार्य पद को भी छोड़ दिया। अब यह जो काम उन्होंने किया, इस कार्य की पृष्ठभूमि को देखना तो थोड़ी गहरी बात है, कोई अच्छे गहरे व्यक्ति उनकी आत्मकथा आदि को देखकर या कुछ अनुभवों से जानकर भले अनुमान लगा लें, इस निर्णय की पृष्ठभूमि में क्या स्थिति थी, यह निर्णय उन्होंने क्यों लिया था। आखिर कोई महापुरुष ने निर्णय लिया, ऐसा नहीं कि चलते ही वह निर्णय, उसकी पृष्ठभूमि में क्या रहा है, वो पृष्ठभूमि में किस आधार पर, किन स्थितियों से, किस कारण से उन्होंने यह निर्णय लिया, वो थोड़ा कईयों के लिए अज्ञात हो सकता है। कार्य सामने आ जाता है, कई बार कारण सामने नहीं आता है। तो खैर यह थोड़ी गहरी बात है, पर उन्होंने आचार्य पद का भी विसर्जन किया, परित्याग किया और अपने उत्तराधिकारी को अपने सामने आचार्य पद पर आरूढ़ कर दिया।
यह एक प्रकार से उनका त्याग था, बलिदान था, सत्ता को छोड़ने का, सत्ता का विसर्जन था, वो काम भी उन्होंने किया। आचार्य तुलसी में ज्ञान भी, प्रज्ञा ज्ञान कितना था, उनमें पुरुषार्थ था, प्रेरणा देने वाले थे, उनमें प्रेम भी था, उनमें प्रबुद्धता भी थी। तो उनमें ज्ञान, प्रज्ञा, प्रज्ञा ज्ञान भी कितना था। मैंने अनुभव किया कि तेरा पंथ के इतिहास का भी, यानी वो पुराने थे, कालूगनी के पास रे, पुराने जमाने के थे ऐसे, यानी मंत्री मुनि के पास, मगन मुनि, उनके पास कई तेरा पंथ के इतिहास की कई बातें उनकी जानकारी में थी। तेरा पंथ के सिद्धांतों की बात भी वे, जहाँ तक मेरा आकलन रहा, अच्छे एक जानकार तेरा पंथ के दर्शन के सिद्धांत के। तो उन राग रागिणियों का जो ज्ञान उनके पास था, हमारे प्राचीन राग रागिणियां है भगवती जोड़, और जो राग रागिणियों का ज्ञान था, जो गाने का भी, संगान का भी उनमें जो एक तरीका या कौशल था, वो भी संभवतः विशेष था। उनके पास जो राग रागिणियों का ज्ञान था, आज मुझे नहीं पता हमारी संतों की पीढ़ी में तो उनकी तुलना में मैं किनको खड़ा कर सकूं। थोड़ा बहुत या तो सोचने की जरूरत है, खोज की जरूरत है, वरना कुछ मुश्किल है। उनको जितना राग रागिणियों का ज्ञान था, रामायण की राग रागें उनको, उनको कितना सूक्ष्म थोड़ा ज्ञान राग रागिणियों का। पंथीरा रे बात कहो धुर छे हथी, ऐसे वो रागे उनको, मतलब थोड़ा मुझे लगता है, एक तो गाना ठीक है, एक गाने का थोड़ा सूक्ष्म तरीका, सूक्ष्म कैसे उठाना कैसे लेना, वो जो उनमें संभवतः जो था वो होगा, कईयों के पास हो सकता है, उनके पास भी था, ऐसा मुझे कुछ अनुमान हुआ। और मुझे तो उनके चरणों में बैठने का, कुछ राग रागे थोड़ी बहुत धारने का भी ऐसे मौका भी मिला था। खैर उनकी अलग ही बात थी, उनकी अलग बात तो क्या, और तानसेन, और तानसेन का पिता, एक बार संभवतः बात चली कि कालूगुणी के पास कितना ज्ञान था, कालूगुणी कितने जानकार थे। तो वो तानसेन उनका पिता, तो वो कहा भी तानसेन ने आपके पिता कैसे गाते हैं, वो ऐसे नहीं, वो तो अपने अपने मूड में ही गाते हैं। तो गुरुदेव ने कहा भी कालूगुणी की अलग बात, वो गाते वो अलग ही बात है, कि वो रामायण में तारा की जब राग लेते, कालूगुणी तारा की गीत फरमाते, तारा तारा, वो उनका एक अलग तरीका था। तो गुरुदेव का भाव था कि मैं गाता हूँ, मैं तो तानसेन, तो वो तो तानसेन के बाप थे, यानी उनका तो तरीका ही एक, तो यानी वो कालूगुणी के प्रति गुरुदेव तुलसी के अभिव्यक्ति में जो श्रद्धा भावना मुखरित होती थी, कालूगुणी को तो मानो वो क्या मानते, कालूगुणी कालूगुणी कालूगुणी, बस उनके मन में कालूगुणी का मानो कोई एक उनका इष्ट था, क्या था वो मैंने अनुभव करता हूँ। अपने गुरु कालूगुणी के प्रति उनकी कोई कितनी निकटता, श्रद्धा, कोई तादात में था, वो जो भी था वो एक विशेष था। अपने गुरु के प्रति इतना, कालूगुणी के प्रति इतना भाव अभिव्यक्त उनका होता था। कालूगुणी के, कालूगुणी को मैं फोटोग्राफर या चित्रकार होता तो वो कैसे चोलपट्टी की पटली लगाते, वो करते, मैं कितना, तो खैर, तो गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा निष्ठा जो भाव था, जो अभिव्यक्त होता था, वो अपने हाथ में अच्छा विशेष था कोई। तो आचार्य तुलसी, उन्होंने हमारे धर्म संघ का नेतृत्व किया, और उन्होंने जितने लंबे काल तक नेतृत्व किया, आज तक दूसरा कोई उदाहरण है नहीं तेरा हमारे धर्म संघ में। तो 61 वर्षों तक आचार्य और गणाधिपति के रूप में वे हमारे धर्म संघ में रहे थे। तो आज हम उनकी यह महाप्रयाण की तिथि मना रहे हैं, और 24 वर्ष आज पूरे हो गए हैं। तो हम गुरुदेव तुलसी को श्रद्धा के साथ में वंदन करता हूँ, और जो भी उन्होंने जो फरमाया था, ऊपर जाकर भी देखूँगा तो पता नहीं मुझे देखते हैं कि नहीं देखते हैं, देखते हैं तो मेरा करेक्शन भी यथा अपेक्षा कराते रहें, जहाँ करेक्शन की अपेक्षा, अगर देखते हैं मुझे तो देखने वालों का काम मैं करेक्शन भी करते रहना। प्रेरणा तो प्रेरणा पहले देते थे, अब जहाँ भी विराजमान हो
तो ऊपर जैसा फरमाया था ऊपर जाकर देखूंगा पीछे कैसे काम करते हो, तो मैं तो पीछे हूँ, अब आप ऊपर जहाँ भी विराजमान हो तो मुझे जो भी काम यत किंचित हो रहा है और क्या करना चाहिए और कहाँ करेक्शन मुझे करना चाहिए जिस रूप में संभव हो सके तो वो मुझे अगर मिलता रहे वो भी उचित समझें तो अच्छा है। तो मैं गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।